स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट टू ऑफ पॉलिनोमियल। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी रिमेनिंग पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल? तो कोई भी पॉलिनोमियल जितना भी वेरिएबल कंटेन कर रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, जितना वेरिएबल कंसिस्ट कर कंटेन कर रहा है। अगर वन वेरिएबल कंटेन कर रहा है, देन इट इज क्या? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एग्जांपल 3x + 5 क्या देगा? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, दूसरा हम देखते हैं 3x² + 5x + 2। ओके, तो इसमें कितना वेरिएबल है? टू वेरिएबल। नो, दैट इज ओनली वन वेरिएबल। ओके, हमको वेरिएबल देखना है क्या? x, ठीक है, दैट इज ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, पावर है हमारा रेस कितना भी कर रहा है, इससे हमको नहीं मतलब है, बस हमको देखना है क्या कि वेरिएबल हमारा क्या है। तो ओनली x है, देन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, आफ्टर दिस 5x + 3x + 2y, 3x² + 2y + 3z, देन ये क्या है? पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बस जितना वेरिएबल कंटेन कर रहा है तो उतना पॉलिनोमियल इन दैट ओके वेरिएबल। आफ्टर दिस वी क्लासिफाई द पॉलिनोमियल। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जो किया गया है पॉलिनोमियल को, इसको थ्री बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्न, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टर्न। ओके, फर्स्ट जो है विथ रिस्पेक्ट टू टर्न। ओके, देन आफ्टर विद रिस्पेक्ट टू डिग्री। ओके, और लास्ट जो है हमारा क्या? विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या किए हैं, थ्री रिस्पेक्ट पे हम लोग क्या किए हैं, पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है विथ रिस्पेक्ट टू टर्म, टर्म के बारे में पढ़े थे क्या, कि जिसमें क्या हो, वन टर्म हो, टू टर्म हो, थ्री टर्म हो, फोर टर्म, यही पढ़े थे ना पॉलिनोमियल में। देन अगर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या कंटेनिंग ओके वन टर्म, ओके अ पॉलिनोमियल कंटेन वन टर्म और अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड व्हाट? मोनोमियल। ओके, उसको क्या कहेंगे हम लोग? मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू टर्म। एग्जांपल भी देखते जाते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास? तो 5x, ठीक है, या फिर 3y, 2z, ठीक है, या फिर z या 5, ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास? तो क्या है? मोनोमियल है। वाली क्या है, इस पॉलिनोमियल में केवल वन टर्म कंटेन कर रहा है। दूसरा क्या है कि अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, ओके, इज कॉल्ड व्हाट? बाइनोमियल। ओके, इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, 3x + 5, ठीक है, टू टर्म कंटेन कर रहा है, 6 3 - y, ये भी क्या कर रहा है? टू टर्म को कंटेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पॉलिनोमियल इन बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ओके, आफ्टर दिस थ्री टर्म अगर कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? ट्राइनोमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे, मतलब क्या कर रहा है इसमें? थ्री टर्म कंटेन कर रहा है। ठीक है, 4x² + y, ठीक है ना, इसमें क्या है? थ्री टर्म है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। उसी तरह है क्या हमारे पास? फोर टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिनोमियल। ठीक है ना, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, इसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। ठीक है ना, आफ्टर दिस, तो इसमें फोर टर्म कंटेन कर रहा है, 3x² + 5x + 2 + y, ठीक है, या फिर इसी में अगर ऐसे भी दूसरा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6x + y + z + 2, ठीक है, तो हमारे पास इसमें भी क्या है? तो फोर टर्म कंटेन कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल हैविंग फोर टर्म इज कॉल्ड व्हाट? क्वाड्रिनोमियल। इस तरह आप लोग सारा डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं क्या?
ओके। और एक चीज इसमें देखते हैं क्या कि ये जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है इसमें लास्ट में सब में देख रहे हैं क्या कि एंड हो रहा है किससे, नोमियल से, ठीक है। किससे एंड हो रहा है, नोमियल से, ठीक है। तो नोमियल से एंड हो रहा है तो इसमें एक होता है क्या, लैटिन डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर, ठीक है ना। क्या होता है, लैटिन डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, एंड एंडिंग इन नोमियल, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल अगर क्या हो कि कोई टर्म, जैसे कि हमारा एक टर्म है तो इसमें मोनो मतलब क्या होता है, वन होता है, ये लैटिन डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर है, ठीक है। लैटिन डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर में मोनो मीन्स व्हाट, वन, बाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री। इसी तरह हम इसको क्या करेंगे कि लैटिन डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एंडिंग इन नोमियल, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। आफ्टर दिस अब हम लोग आते हैं क्या कि विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू डिग्री तो फर्स्ट आते हैं क्या कि अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री व्हाट, वन, इज कॉल्ड लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो, वन हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे कि डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। थ्री एक्स प्लस टू ये भी क्या है, तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री इसका कितना है, तो वन है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें भी कितना है, डिग्री सबका वन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। भले से अगर इसमें टर्म देखें विद रिस्पेक्ट टू टर्म, ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल, क्या, कंटेनिंग वन टर्म। विद रिस्पेक्ट टू क्या टर्म, ये क्या हो जाएगा आपका, बाइनोमियल हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू टर्म, ट्राइनोमियल, बट विद रिस्पेक्ट टू डिग्री क्या होगा, तो लीनियर होगा। दूसरा क्या, विथ डिग्री टू, विथ डिग्री टू रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये भी क्या है आपका, तो डिग्री विथ टू है तो क्वाड्रेटिक है। दूसरा देखते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू, ये भी क्या है आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका डिग्री कितना है, टू है। हाईएस्ट पावर कितना है, टू। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड व्हाट, डिग्री, ठीक है। आफ्टर दिस क्या, डिग्री क्या चीज, थ्री। तो डिग्री थ्री होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है। डिग्री थ्री एग्जाम्पल दे देते हैं, फाइव एक्स क्यूब प्लस थ्री, ठीक है ना, डिग्री थ्री हो गया। उसके बाद से क्या, डिग्री फोर, डिग्री फोर को क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक डिग्री फोर, फाइव एक्स टू दी पावर फोर प्लस एक्स प्लस टू, ठीक है ना। डिग्री कितना है, तो फोर है। इसी तरह अगर डिग्री फाइव हो जाए, ठीक है ना, डिग्री कितना, तो फाइव, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटिक, सॉरी क्विंटिक, क्या बोलेंगे, क्विंटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। उसी तरह डिग्री सिक्स हो तो क्या बोलेंगे, हेक्सिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसी तरह आपका चला जाएगा हेक्सिक सेप्टिक, ठीक है, ऑप्टिक, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें भी देख रहे हैं एक क्या सिमिलैरिटी है, सबके लास्ट में क्या है, आईसी है, क्या है, आईसी है, ठीक है, आईसी 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 आईसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका कि लैटिन ऑर्डिनल नंबर, ठीक है, क्या होता है, लैटिन ऑर्डिनल नंबर एंडिंग इन क्या चीज, आईसी, ठीक है। इसका नेमिंग हम किस तरह करते हैं, तो लैटिन वर्ड का ऑर्डिनल नंबर और एंड क्या होना चाहिए, तो आईसी से होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे आपको, तो मतलब इस तरह इसका नेमिंग करते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है, आईसी, क्यूबिक, आईसी, ठीक है। तो लैटिन वर्ड, लैटिन ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है ना। आफ्टर दिस अब हम लगाते हैं किस पे, तो आपका विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल जस्ट अभी देखे हुए हैं एग्जांपल क्या, कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है कि वन वेरिएबल में है तो क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसी तरह दूसरा एग्जांपल क्या, एक्स प्लस वाई, ये क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल इन क्या, टू वेरिएबल। उसी तरह ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस
जेड, ये क्या हो जाएगा आपका द पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। ओके, समझ में आया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल, आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ओके, तो हम आई होप दैट यू विल सॉल्व एक्सरसाइज विथ रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।